राजस्थान चुनाव पर बीजेपी नेता के बेटे की बड़ी भविष्यवाणी। तो क्या इस बार राजस्थान में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा? चुनावी साल में राजस्थान में बीजेपी की कमान अशोक परनामी के बाद अब किसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच गुटबाजी भी खुलकर होने लगी है। इस गुटबाजी में नेता कांग्रेस की तारीफ करने में भी नहीं चूक रहे। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बेटे रवि शेखर ने अपने फेसबुक पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। खादी बोर्ड के कर्मचारी रवि शेखर ने फेसबुक पर अमित शाह को संबोधित करते हुए 5 पोस्ट किए। अपने एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है, आप राजस्थान में साफ सुथरे चेहरे को लाओ। राजस्थान में कांग्रेस अभी मजबूत है, लगभग 140 सीटें आ रही है। समय रहते निर्णय लीजिए, अन्यथा देर हो जाएगी। अपने दूसरे फेसबुक पोस्ट में रवि शेखर ने लिखा है कि आप राजस्थान के मतदाताओं की सोचो, गजेंद्र सिंह शेखावत फिट नहीं है और इससे जातिगत समीकरण नहीं साधे जा सकेंगे। राज्य में 32% SC/ST, जाट 18%, मुस्लिम 10%, राजपूत 3%, ब्राह्मण 5%, OBC 16% और बनिया 5% हैं। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत राज्य बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, जबकि पार्टी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है। हालांकि सूबे की मुखिया वसुंधरा राजे इस पद पर अपनी पसंद के व्यक्ति को बैठाना चाहती हैं, क्योंकि प्रदेश की राजनीति में अर्जुन मेघवाल राजे के विरोधी गुट के नेता माने जाते हैं। इसलिए राजे समर्थक विधायक और नेता इस मामले को अमित शाह और संगठन महामंत्री रामलाल के समक्ष पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद रवि शेखर ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है, लेकिन इस मामले ने कांग्रेस को भी बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि बीजेपी की हालत ये हो गई है कि यहाँ कोई अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहता। जाहिर है चुनावी साल में पार्टी के भीतर मचे घमासान और इस तरह की बयानबाजी सत्ता में वापसी के बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।